सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर, महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहती है। जय श्री राम दोस्तों, शिवराज पाटिल जो कि हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं और उससे पहले एक हिंदू भी है, और एक हिंदू होकर हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ के ऊपर ऐसा गलत टिप्पणी देना अच्छी बात नहीं है। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद सिखा रहे थे। मुझे तो लगता है शिवराज पाटिल ने कभी गीता पढ़ी भी होगी या नहीं, अगर पढ़ी होती तो आज ऐसी बात नहीं बोलते। ये भी कट्टरपंथी और वामपंथी लोगों के बीच रह रहे के उनके जैसा हो गए हैं। वो क्या बोल रहे हैं पवित्र ग्रंथ गीता के बारे में सुनिए। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जब के सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है वो आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर, महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहती है। दोस्तों, उनकी ये बात सुन के सुधांशु त्रिवेदी जी ने अच्छा जवाब दिया है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल जी ने जो कुछ बोला है वो कांग्रेस की विकृत और घृणित मानसिकता का प्रतीक है। विकृत इसलिए कि ये वही कांग्रेस पार्टी है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ के धाम पर जिस उत्तराखंड में थे, वहीं महात्मा गांधी ने इसी भगवद गीता से प्रेरित होकर उसी कौसानी में, उसी उत्तराखंड के कौसानी में अनासक्ति योग लिखा था, जिसमें गांधी को अनासक्ति नजर आई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा था और उन्होंने कहा था गीता एक कर्म योग शास्त्र है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी हिंदू वे ऑफ लाइफ में गीता के बारे में क्या लिखा। श्री अरविंदो जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने अपनी किताब लाइफ डिवाइन में क्या कुछ लिखा। इसलिए मैंने विकृति कहा कि जिस भगवद गीता में तिलक को कर्म योग शास्त्र नजर आता था, जिसमें महात्मा गांधी को अनासक्ति नजर आती थी, उसमें राहुल गांधी की कांग्रेस के लोगों को जिहाद नजर आता है। यह है विकृति। और घृणित इसलिए है कि यह वो पार्टी है जो उस सोच से अब प्रेरित हो गई है कि इनके दिमागों में जब कट्टरपंथी वोट बैंक का मवाद भर गया है, इसलिए ये वो बात करने लगे हैं कि जिहाद की तकरीर देने वाला जाकिर नायक तो शांति का मसीहा है। मंदिर जाते हैं लोग छेड़खानी करने के लिए, ये राहुल गांधी ने कहा है। ऐसी सेकुलर राजनीति के प्रवर्तक गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं। जब ऐसा मवाद आपके दिमागों में भर जाएगा तो अपने ही श्रद्धेय नेताओं को के द्वारा दिखाए गए गीता के तत्व को आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए यह घृणित भी है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी यदि यह कह रही है, तो मैं शिवराज पाटिल और कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जवाब दें या सोनिया गांधी जी, यदि शिवराज पाटिल ने जो कहा है वो सही था, तो जो महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग कहा क्या वो गलत था? दोस्तों, शिवराज पाटिल जैसे हिंदू विरोधी लोगों के लिए आपको क्या कहना है हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।